चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 में क्या है। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो कि ट्रायंगल है एट 90 डिग्री है बी पे, यानी एक ट्रायंगल है कोई जो कि जिसका राइट एंगल जो है वो बी पर है वाला, ये आपको मिल जाएगा। तो यानी कहीं ए होगा, ये कहीं सी हो जाएगा आपका, ए बी सी ही है आपका। tan a equal to 1 upon under root 3 given है, tan a equal to 1 upon under root 3। तो यहां से आपका tan का क्या हो गया, p by b हो गया, यानी perpendicular upon base, perpendicular upon base by it means p equal to 1 and b equal to under root 3। तो ये हो जाएगा आपका perpendicular और ये हो जाएगा base। तो hypotenuse आप निकाल लीजिए, 1 square plus under root 3 square, 1 plus 3, it means h equal to 2 आ जाएगा आपका, h equal to 2 हो गया आपका ये, ठीक है। तो आपको hypotenuse मालूम पड़ गया कि hypotenuse आपका कितना है, आपका hypotenuse हो गया 2। तो आपको sin a cos c cos a sin c, तो अब सिंपल सा यहाँ पे आप अब तो इतना जान ही गए कि रेशियो हम निकाल आप निकाल सको p by h, क्योंकि a आप ले रहे हो तो p by h हो जाएगा, p by h means 1 upon 2 cos, अगर a निकालते हो आप तो आपका b by h हो जाएगा, b by h यानी under root 3 upon 2 हो जाएगा आपका। इस यहाँ पे आप अगर ऐसा sin c अगर आप निकालते हो तो अब आपका ये वाला जो portion है यानी वो जो vertex है ये अब एंगल के लिए बिहेव करेगा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, पहले ही आपको मैंने बता रखा है। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ऐसे ही कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब आई थिंक आप इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए और सॉल्व, चलिए एक मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो साइन है, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 अपॉन 2 इंटू कॉस सी, कॉस सी की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 और साइन सी की वैल्यू अंडर रूट 3 अपॉन 2। ओके, तो 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, इट मीन्स आपका 4 अपॉन 4 एंड वैल्यू गोज टू 1, दैट इज आंसर। आप देख लीजिए ना, आपको ये हो गया सेम ऐसे ही, आप सेकंड क्वेश्चन के लिए आप कॉस ए कॉस सी कॉस साइन ए साइन सी की वैल्यू आप पुट अप कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है आंसर, अगर नहीं कर पाते तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपको जो क्वेश्चन है गिवन, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट पॉइंट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, यानी इस साइड का और इस साइड का एडिशन आपको 25 गिवन है, एंड पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए हम मान लेते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं, जो कि आपके लिए आसानी होगा कि लेट आपका जो क्यू आर है वो x सेंटीमीटर है या x है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ अगर x मान लिया आप तो पी आर कितना बचा, x माइनस कर दें 25 माइनस x हो गया आपका, ठीक है, 25 माइनस x हो आपका। तो अब आपका साइन p यानी साइन p आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा आपका, साइन p आपका हो गया यानी परपेंडिकुलर साइन p है तो ये हो जाएगा ना, तो परपेंडिकुलर आपका x हुआ और आपका हाइपोटेनियस 25 माइनस x हो गया आपका। cos p इक्वल टू आपका 5 अपॉन 25 माइनस x हो गया। फिर आप देख रहे हैं क्या है, यह वेरिएबल आपका x जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है कि x की वैल्यू क्या रखेंगे, तो इसका हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 25 माइनस x हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी आपकी। तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो आपका बचा
माइनस 50x इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 25 625 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो 625 ये हो गया माइनस 50x इक्वल टू 600 माइनस माइनस से माइनस कैंसिल x क्या हो जाएगा आपका 12 आ गया यानी x 12 हो गया तो ये 12 हो गया और ये 12 माइनस 25 13 हो गया आपका। अब आप यहाँ पे सीधा का सीधा देख सकते हैं कि sin p इक्वल टू आपका हो जाएगा 12 अपॉन 13 एंड cos p इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 अपॉन 13 एंड tan p जो है आपका tan p यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 12 अपॉन 5 ये हो जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप ट्रू एंड फॉल्स है उसको चेक कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताइए मैं उसको भी सॉल्व करके आपको बता दूँ।